हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैफे 1401। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्रेस अ लाइक बटन। आइए देखते हैं मटर पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले पनीर, मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिए हैं और उसे क्यूब में कट कर लिया है। देन 200 ग्राम मटर, थोड़ा क्रश किया हुआ पनीर, गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती, रफली चॉप अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, कुछ खड़े मसाले लाइक बेली, लाल मिर्च, जीरा, हींग, लौंग, छोटी इलायची, सरसों का तेल, और मसाले में टर्मरिक पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, नमक, रेड चिली पाउडर और घर का बना हुआ मसाला। ये तो इंग्रेडिएंट था हमारे मटर पनीर बनाने के लिए। और हाँ, आप चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे घर का क्रीम लिया है, आप चाहें तो मार्केट का भी क्रीम ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रफली चॉप्ड जो हमारे अनियन टोमेटो थे उसको ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मैंने मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लिया है और अब अगेन हम कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें पनीर फ्राई करेंगे। कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो पनीर के क्यूब थे उसको डाल के 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में अब हम सारे गरम मसाला डालेंगे और फिर जो ग्राइंड किया हुआ है उसे। मैंने कढ़ाई में ग्राइंड किया हुआ अनियन टोमेटो का मिक्सचर ऐड कर लिया है और इसे अब मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें सारा मसाला ऐड करेंगे, लाइक टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं मसाला पकने के लिए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे और क्रस्ट पनीर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम से पकाने पे अब हम इसमें क्रीम डालेंगे और अगेन 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद हम अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। हालांकि पनीर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता है तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें पनीर भी ऐड कर लेंगे और अगेन
मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है और अब देखिए मेरा पनीर बनके रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मेरा पनीर बनके रेडी हो गया है और मैंने इसे धनिया पत्ती के साथ गार्निश किया है। अगर आपको मेरा मटर पनीर का तरीका पसंद आया हो तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली फ्रेंड लव्ड वन के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।